हिंदी सहायक वाचन वितान के बारे में समझाने जाऊंगा और भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लता मंगेशकर गायिकाओं में सर्वश्रेष्ठ है। हिंदुस्तान में उनके मुकाबले की कोई भी गायिका नहीं है। उन्होंने इतने प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, उन्हें भारत रत्न की भी प्राप्ति हुई है। आज मैं आपको भारतीय गायिकाओं के बारे में कुमार गंधर्व ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो लिखा है उनके बारे में, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं। वर्षों पहले की बात है, कुमार गंधर्व कहते हैं, वर्षों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अजीची स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है। रोज का नहीं, यह स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की गजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था। तब से लता मंगेशकर निरंतर चली आ रही और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देखने मिलते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां और अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के बेजोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर गानों में पढ़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक है कि चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मलिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ में उन्हें होती जा रही है। इस तरह तरह की लय के प्रकार भी उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकारयुक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इसका श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया और समान मनुष्य में संगीत विषय अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। कोकिला सम्राट के नाम से भी जानते हैं,
हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। उनका गायकी में स्वर कोकिला के रूप में पहचाना जाता है। उनका हिंदुस्तान की गायिकाओं में उनके मुकाबले कोई नहीं है। उन्होंने लगभग 40 से 45 वर्ष तक इसमें अपना योगदान दिया है और आज भी वह अपना गायकी में योगदान दे रही है। उनने शास्त्रीय संगीत के महत्व को बढ़ाया है, संगीत को बढ़ाया है और उनका जो विशेष योगदान है, इसलिए उसे भारत सरकार ने जो भारत का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, जो भारत का सबसे बड़ा रत्न है, भारत रत्न, उस रत्न से नवाजा गया है उनको। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। जो उनकी विशेषता थी, उनकी जो क्वालिटी थी, समान श्रोताओं को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया है और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्योरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। इससे कोई मतलब नहीं, राग मालकोश था और ताल फिर ताल, उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, जैसे ही गान पान हो तो संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% गानपन है मौजूदा मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मूर्ख मर्म वह गानपन है ही है। लता गाने की एक और विशेषता है, उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले ही पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उनके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत निर्देशकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत निर्देशक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना नहीं रहा जा। लता के गाने की एक और विशेषता उसका नादमय उत्साह। उसके संगीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता मंगेशकर के जो शब्द हैं, जो गायकी का उनका अंदाज है, वह अद्भुत है।